रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले दिल्ली में ईडी की पूछताछ और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। लगातार दो दिन से चल रही पूछताछ में वाड्रा को अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ हो रही है। पूछताछ के दौरान उनके वकीलों को भी अलग रखा गया है। बीकानेर में विवादित जमीन खरीद मामले में दरअसल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी वाड्रा से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर स्थित ईडी दफ्तर में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई पूछताछ रात 8:30 बजे तक जारी रही। ईडी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ के दौरान सभी सवालों का सही जवाब दिया, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। ईडी ने वाड्रा को बुधवार सुबह फिर से दफ्तर बुलाया। वाड्रा से पूछताछ के दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और प्रियंका गांधी जिंदाबाद चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए। सूत्रों के अनुसार जमीन खरीद मामले में ईडी वाड्रा से करीब 50 सवाल के जवाब चाहती है। दरअसल राजस्थान में पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार ने 2013 में जमीन सौदे की जाँच शुरू कराई थी। जमीन मामले में वाड्रा पर कुल 16 मामले दर्ज कराए गए। इनमें से 4 मामलों में वाड्रा की कंपनी जुड़ी है। वाड्रा पर आरोप है कि कांग्रेस की तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के दौरान 2012 में उन्होंने बीकानेर जिले के कोलायत में 79 लाख में 270 बीघा जमीन खरीदकर 3 साल बाद 5.15 करोड़ में बेच दी। ये सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जमीन थी जिसे बेचा नहीं जा सकता था। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।